हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत। हम आ चुके हैं द्वारका बाबा जी और अम्मा जी के पास। आज बाबा जी के हमें कुछ टेस्ट वगैरह कराने हैं, तो इनको लेकर जाएंगे। डॉक्टर राजेश, जो कि हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आ रहे हैं एम्बुलेंस के साथ। बाबा जी और अम्मा जी को हमने डिटेल में बताया कि आज बाबा जी की कुछ जाँच वगैरह होंगी, कुछ टेस्ट होंगे, तो इसलिए हमें बाबा जी को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा लैब में। तो सारी प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, ये सारा डिटेल में हमने बताया। अब बेटा तुम्हारे हाथ बात है, जैसे कोई जो पहले बेटा मैंने मैं भूखी प्यासी में और टेम काटो बेटा, भगवान ने भगवान ने सुन ली, कोई बात नहीं, आगे सब सही हो जाएगा। चलिए इसी दौरान आपको बाबा जी का नया टी स्टॉल दिखाते हैं। इतना सपोर्ट आप लोगों का, आप इतना प्यार मिल रहा है बाबा जी को। देखिए कितनी सारी मदद ऑलरेडी पहुंच चुकी है और बहुत से लोग बाबा जी के पास आ रहे हैं मदद करने, अपना प्यार देने। ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। बाबा जी की बेटी हैं जिन्होंने इतना सपोर्ट किया अपने बूढ़े माँ बाप को, बाबा जी के साथ चलने के लिए बोला ताकि बाबा जी घबराएं नहीं। इसी दौरान आज हमने बाबा जी और अम्मा जी से ढेर सारी बातें की। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं बाबा जी का और माता जी का आशीर्वाद लेने, और जिनसे जो बन पा रहा है वो सब अपनी तरह से मदद कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर दिल खुश हो जाता है। बाबा जी आज भी अपने गांव को याद कर कर भावुक और उदास हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब एम्बुलेंस आ चुकी है बाबा जी को लेने। ये बाबा जी की बेटी हैं, इन्होंने भी अपनी सारी आपबीती सुनाई। तो परेशान करा उसने, तो दहेज मांग रहे थे। हाँ, दो बच्चे होने के बाद मेरे को मार रहा था बुरी तहियों से, तो किसी ने बोला कि आपकी बेटी को कोई पीट रहा है, आप उसका घर वाला, तो पापा ने मेरे को बचाया, तो इसके ऐसा धक्का मारा तो वो बेड का ये कि मारा हड्डी टूट गई, पापा का ऐसा गिरा। इनको 2-3 लात मार के नहीं है, साइकिल पे पटक के इनको घर पटक आया, घर पटक के नहीं है, फिर इनके गाड़ी हाथों से पैसा से गाड़ी करके इनको गांव पटकवा दिया। फिर गांव में दीदी ना तो कोई इलाज करवाया किसी ने, ना कुछ अलग रहती है दीदी। हाँ दीदी, यहाँ रहती हूँ सोसाइटी में। दीदी बहुत परेशान थे, अभी तक मैं इनका खर्चा मैं ही चला रही थी, लेकिन भगवान ने दीदी मेरी सुन ली, तो मेरी दीदी अब इनका खर्चा नहीं करना पड़ेगा मेरे को। मैं दीदी कितना करूँगा झाड़ू पोछा बर्तन में से, मेरे पे भी कितना होएगा। जब भगवान ने हमको दुख दिखाए तब हमको सुख भी दिखाएगा वो। आज हम भैया के प्यार को तरसते थे, हमको भैया कभी बार पे बुलाते नहीं, त्योहार पे भी नहीं बुलाते थे। हम ये पूछते भगवान हमारे भैया ऐसे क्यों है कि हमें कभी भी नहीं बुलाते। चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी बाबा जी और अम्मा जी की कहानी जानना चाहते हैं। 68 साल की उम्र है, हरिकरण जी है, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी के साथ में, ये दोनों पुत्र पिछले 3 महीने से दिल्ली के पास। कोई पेंटिंग ना कोई कटुना खाना का भैया आना तो मैं नौकरी।
फाइनली डॉक्टर राजेश भी आ चुके हैं। अब हम बाबा जी को लेकर जाएंगे और उनका सारा चेकअप कराएंगे। अम्मा बाबा की मदद के लिए कुछ समाज सेवी आगे आए क्योंकि उनके बच्चे उनको भूल चुके हैं और ये लोग यहाँ पर आए हैं उनके इलाज के लिए, इनकी जांच के लिए लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश, हमारे साथी हैं, मेडिकल सर्जन हैं। तो बाबा जी, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया जितना इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए उतना ही, उसके थ्रू ही हमें पता चला है कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है, अदरवाइज हम नहीं जानते बाबा अम्मा। तो हम आए, इनका हालत देखा तो बहुत दुख करने वाली, हमने इनकी तस्वीर देखी, हाथ बिल्कुल लटका हुआ था। तो मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर हमने डिसाइड किया कि पहले जो इनिशियल इनका जो भी एक्सरे वगैरह हैं, जो जांचें वगैरह स्टार्टिंग की वो करेंगे, उसके बाद हम एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करेंगे। डॉक्टर राजेश है मेरे साथ। क्या लग रहा है आपको, ये जो चोट लगी कि हाथ टूटा हुआ है, कमर में चोट बताई जा रही है, इनके बच्चों ने इनको मारा है, कितनी पुरानी चोट आपको लग रही है और अब क्या हो सकता है? बेसिकली ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फ्रैक्चर नॉन रिमेन बोला जाता है, मतलब बोन टॉप एंटिटी। सारा कहें जो भी हमारे, मेरा भी चैनल है सुरक्षा का यूट्यूब पर, इतने सारे यूट्यूबर्स आए हैं, तो सारा कहें जो भाई बंधुओं के लिए जिन्होंने बाबा अम्मा का वीडियो बनाया और उनको मैं। हम लैब में पहुंच चुके हैं और यहां पर बाबा जी का चेकअप चल रहा है। बाबा जी के सारे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, अब बाबा जी को ड्रॉप करने के लिए हम आए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश भल्ला, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो सर बताइए, अभी आगे का ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से रहेगा? आज हमने इनके पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सब करवा लिए हैं, इसके अंदर लीवर का, किडनी का, ब्लड का, फिर वायरल मार्कर होते हैं HIV, HPV, STV, ये सारे हमने टेस्ट करवा दिए हैं। और जैसे इनका हमारे को रिपोर्ट्स मिलता है और हम एक प्लान करते हैं कि इनमें सब हमारे सेटिस्फाइड हैं, विद इन नॉर्मल रेंज आ रहे हैं रिपोर्ट्स, तो फिर हम इनका ऑपरेशन का प्लान सेटअप करेंगे। टिल देन अभी इनका वेट कर रहे हैं जब तक इनकी रिपोर्ट्स आ। सो थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। आप अपना बिजी शेड्यूल, का टाइट शेड्यूल आप समय निकाल कर आए हमारे लिए, तो फिर देखते हैं आगे जैसा भी रहेगा, फिर आपसे कॉन्टेक्ट करके हम।